हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे Vivo Nex S के बारे में। यस, फाइनली Vivo ने ये फोन इंडिया के अंदर लॉन्च किया और आज इस वीडियो में हम इस फोन के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं डिजाइन से, तो बता रहे कि इस फोन के अंदर आपको किसी भी तरह का नॉच वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है। ये फोन काफी स्लिम भी है और जो डिस्प्ले है वो बेजल-लेस डिस्प्ले है, तो ओवरऑल काफी अच्छा फोन है। डिस्प्ले के मामले में अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर आपको 6.59 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिली है। ये डिस्प्ले 9:9 के साथ आती है और काफ़ी अच्छी डिस्प्ले भी है। इसको मैंने कहा एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन जो वीवो की तरफ से आता है, तो इस फोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 845 फ्लैगशिप प्रोसेसर दिया गया है। ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, 23 फ्लैगशिप स्मार्टफोन के अंदर एक प्रोसेसर देखने को मिलता है। जहाँ तक रैम और स्टोरेज का सवाल है, तो बता रहे कि इस फोन के अंदर आपको 8GB रैम और 128GB स्टोरेज दी गई है। ओवरऑल फोन काफी अच्छा लग रहा है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के मामले में। जहाँ सॉफ्टवेयर का सवाल है, तो बता रहे कि ये फोन एंड्रॉइड ओरियो 8.1 के साथ आता है और इसे जल्द ही एंड्रॉइड 9 का भी अपडेट आ जाएगा। फोटोग्राफी को ध्यान में रखते हुए इस फोन के अंदर आपको पीछे की तरफ 12+5 MP के डुअल कैमरास दिए गए हैं। जो मेन सेंसर है 12 MP का, वो ईयर 1.8 अपर्चर के साथ आता है और जो सेकेंडरी सेंसर है वो ईयर 2.4 अपर्चर के साथ आता है। सेल्फी के लिए इस फोन में आपको सामने की तरफ 8 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, ईयर 2.4 अपर्चर के साथ आता है। तो ओवरऑल कैमराज के मामले में फोन काफी अच्छा लग रहा है और अगर आप सेल्फी वगैरह लेना पसंद करते हैं, तो इसके अंदर आपको AR स्टिकर वगैरह जैसे काफी अलग और काफी इनोवेटिव फीचर भी इस बार इन्होंने किया है। जहाँ तक बैटरी का सवाल है, तो बताया कि इस फोन में आपको 4000 mAh की बैटरी दी गई है। ये बैटरी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है, जो मेरे हिसाब से काफी अच्छा फीचर है इस फोन का। इस फोन को और यूनिक बनाने के लिए इस फोन के अंदर आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जो आपके फोन को सिर्फ 0.8 सेकंड के अंदर अनलॉक कर सकता है। ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एक यूनिक फीचर है और मेन यूएसपी है इस फोन का। बात करें कीमत की, तो बता रहे कि इस फोन की कीमत भारत में करीब 45,000 के आसपास रखी गई है। आप इस फोन को 31 जुलाई के बाद अमेजोन से खरीद सकते हैं। तो अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं, काफी अच्छा फोन है। अगर आपको इस फोन रिलेटेड कोई भी सवाल हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।